पे ये जो फिल्म है इसका जो सब्जेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में, कितना इंस्पायर करेगा लोगों को जब आएगा है, और आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल होता है एक थ्रिलर के लिए अचीव करना अपने ड्रीम्स को? एक तरफ से देखा जाए तो एक आर्ट फिल्म है एंड इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स के मतलब स्ट्रगलर जितने भी होते हैं उन सबकी एक जर्नी दिखाई हुई है, और कहीं ना कहीं स्ट्रगलर को जो भी एक्टर आते हैं मुंबई तो उनके लिए बहुत एक मतलब ये फिल्म उनको इंस्पायर करेगी, मतलब जैसे कि उन्हें हार कैसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार मानने के बाद कहीं ना कहीं जो सपने लेकर आते हैं उनके साथ कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है वो सब कुछ टूट जाता है, इसलिए ये फिल्म उन्हें बहुत इंस्पायर करेगी ताकि वो हार ना माने और लड़ते रहें। बाकी आप लोग मूवी देखेंगे समझ में आएगा। एक सफल अभिनेता बनने के लिए क्या क्वालिटीज सबसे जरूरी है आपके पास, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए? सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कि आपके अंदर तो पहले बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए। डायरेक्टर आपको एक बार में समझना चाहे जो चीज़ आप वो समझाना चाहते, अगर वो नहीं समझोगे तो दोनों की बॉन्डिंग होगी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ वही है जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमसे सिखाई है, हमको सिखाई है और बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए अगर डायरेक्टर के साथ बॉन्डिंग बन जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता और अपने अंदर का भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, तो ये चांस हर किसी को नहीं मिलता। और आप तो जानते हो कि ये मतलब फिल्मी लाइन में चांस मिलना बहुत मुश्किल काम है, और अगर जो चांस मिल गया और उसमें आप खड़े उतरे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, प्रियंका चोपड़ा कहते हैं, आइडियल मानते हैं और क्या समझते हैं कि एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए? आइडल की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को मैं आइडल मानती हूँ। नॉन एक्टर से एक्टर किसे बनना कहते हैं, एक ग्लैमरस वर्ल्ड से रियलिस्टिक मूवीज़ करना किसे कहते हैं, वो उनसे सीखा है और उन्हीं से सीखती हूँ किस तरह से आपको काम करना चाहिए, कितना पैशन होना चाहिए आपके अंदर। जो पैशन वर्ड है वो आपके लिए बहुत मैटर रखता है, आप अपने काम में वो ही दिखाते हो, वेदर वो कोई भी सीन क्यों ना हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो, कोई भी सीन आपको क्यों ना पर्दे पर दर्शाना हो। या थैंक यू। पैशन बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके अंदर कुछ करने की अगर पैशन ही नहीं है, डेडिकेशन नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, आप कभी अपने आपको स्ट्रगलर मत कहो, क्योंकि आप अपने आपको खुद ही स्ट्रगलर कहोगे तो आप स्ट्रगल ही कर जाओगे। सिर्फ आपको एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक ऑप्टोमिस्टिक होकर कि हाँ मुझे वो करना है, किसी भी तरह करना है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करनी पड़े, तो वो पैशन हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे कितने भी अप एंड डाउन क्यों ना आए। तो फैमिली से दूर रह के जितने भी मुंबई में एक्टर बनने आते हैं, एक्ट्रेस बनने आते हैं, वो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड छोड़कर आते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। तो जब आप सब कुछ भूल कर सिर्फ एक डेडिकेशन रखते हो तो मेरे ख्याल से फिर वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। आप कहना चाहेंगे कि एक्टर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप में एज एन इंडिविजुअल, और किस तरह से इस स्ट्रगल को आप फेस करेंगे आगे चल के? आप अभी तो पहले फिल्म में काम मिल गया लेकिन इतना आसान नहीं होता है बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, बड़े प्रोड्यूसर सर। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, देन डेडिकेशन, एंड देन उसके बाद आता है फीलिंग्स। आप किसी भी अगर किरदार को निभाते हैं तो अगर आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्किंग तो सर जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है किसी को तो ऑटोमेटिक हार्ड वर्किंग हो जाता है। सर पसंद सबको करता हूँ लेकिन आइडल किसी को नहीं मानता। जी एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, पैशनेट, और आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। पर सिर्फ मेहनत से और स्ट्रगल से आदमी कामयाब नहीं बन सकता, वरना गधा भी जंगल का राजा होता। तो हार्डवर्क के साथ टैलेंट भी चाहिए और कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, सेटिंग करना भी आना चाहिए, चालाक भी आदमी चाहिए। आजकल शातिर लोग बहुत कामयाब बनते हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू मेक इट बिग इन दिस इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम हार से निराश नहीं होना चाहिए। मुझे अराउंड 5.5 साल हो गए इंडस्ट्री में, आई हैव डन अ फ्यू फिल्म्स लाइक 30 मार खान, अकीरा, और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, तो नफरत से निराश नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली नफरत को इतना, इफ़ यू हेट लूजिंग टू मच इन लाइफ देन यू स्टार्ट लूजिंग वन डे। तो बेसिकली हार से नफरत करो पर हार से निराश मत हो जाना, इतनी नफरत करो कि और मेहनत करो और वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू। आपका ये एक्टर सबसे सॉलिड है, ये एक्टर मेरे को सबसे पसंद है। हाँ पसंद नहीं है वो तो ले जाओ बस। Well, he speaks well.
अच्छा हम दोनों आ जाओ चलते हैं, रुक जाओ पहले वो तैयार हो जाए। आप दोनों ने डाइट किया तुमको? नहीं अब लास्ट हो गया। आपका नाम क्या है? वैशाली गुप्ता। कहाँ से हैं? भोपाल। फर्स्ट मूवी है? सबसे बड़ी बात है किसी भी फील्ड में जाके सक्सेस होना या सक्सेस के लिए फाइट करना चैलेंज की ही बात होती है। तो चैलेंज तो था ही हम लोग के लिए करना, बट ये था कि करना था। चैलेंज जितने भी आएंगे उसको फेस करेंगे, हमने ये सोचा था और फेस किया। अभी आपके सामने फिल्म है। अब चैलेंज ये फिल्म जिस दिन एक कॉन्सेप्ट रेडी हुआ था सिर्फ उस दिन से हम लोग चैलेंज लेते हुए आ रहे हैं, और चैलेंज अगर नहीं लिया तो फिर क्या मतलब। और आगे आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जितना हो सकता है, और चल रहा है चैलेंज मैनेज करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और आगे बस कुछ स्टेप और है। नहीं सर अभी आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग अभी नए हैं तो आप हमसे पूछ रहे हो। सलमान खान ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की, उसके लिए वो करेक्टर नहीं था उस फिल्म में, उसने नहीं किया सिर्फ प्रोड्यूस किया। अभी सेकंड फिल्म ट्यूबलाइट है, उसमें उनके लिए करेक्टर था तो उन्होंने करेक्टर किया। तो मैंने ये फिल्म ऐसा कुछ नहीं किया, एक्टिंग किया तो प्रोड्यूस करना है मुझे। हाँ ऐसा करेक्टर अगर मुझे लगा या और जैसे सबने ऑडिशन दिया है, मैंने भी उसको ऑडिशन दिया, ट्राई किया। जब डायरेक्टर की तरफ से कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से जब डन हुआ कि हाँ ये कर सकते हैं प्ले, तो किया। ऐसा कोई जरूरत नहीं। आगे चल के किस तरह के फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और आपका एक्टर के तौर पर क्या सपना है कि किस तरह के किरदार को निभाएं, कैसे लोगों के साथ काम करेंगे? सर मेरा एज एन एक्टर मेरे को हीरो नहीं बनना है, मेरे को विलन बनना है। नेगेटिव करेक्टर्स ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे प्ले करने में। ऐसा नहीं ईजी है क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखा जाए तो जब आप पब्लिक में मतलब पर्दे में हीरो को देखते हो तो आपको मालूम है कि हीरो मतलब आएगा मार धा, मतलब एक रोमांस लड़की के साथ करना है उसे हीरोइन के साथ और विलन को मारना है, ये हर पिक्चर में आप देख रहे हो। लेकिन एज एन विलन एक हर फिल्म में एक नया कुछ करने के लिए रहता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप, क्योंकि विलन का मतलब अभी तक नॉर्मली 90s तक ये था कि भाई देख के डरना, बट अभी है कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं कि विलन की एक ही टाइप की कैटेगरी एक ही इमेज ना बने। बस वो आगे चल के भी ऐसे ही दीपक जी से जो प्रोड्यूसर है सबको सपोर्ट करेंगे। पहली बार मिला था तब ऐसा लगा था कि कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं दीपक जी, इसीलिए उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसने करके दिखा दिया है। बस मुझे तो कुछ नहीं कहना है।
बोल बोल हिंदी कम बोलता है। थैंक्स सर।